समय देश भर में सीएए और एनआरसी का विरोध जारी है। वहीं नागरिकता संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब तक मौन हैं। इसे लेकर राजधानी में उनके खिलाफ पोस्टरबाजी हुई है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी मुद्दे पर जेडीयू में दो फाड़ हो चुका है। वहीं मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान नहीं आया है, जिसको लेकर राजधानी पटना में नीतीश कुमार गुमशुदा के पोस्टर लगाए गए हैं। शहर में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगे हैं जिनमें अदृश्य मुख्यमंत्री सीएबी एनआरसी पर मौन, लापता 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 जैसे स्लोगन लिखे गए हैं। कुछ पोस्टर में लिखा गया, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, कई दिनों से न दिखाई दिया है न सुनाई दिया है, ढूंढ कर लाने वाले का बिहार सदा आभारी रहेगा। एक अन्य पोस्टर में लिखा गया है, गूंगा बहरा और अंधा मुख्यमंत्री, किसी को मिले तो बिहार को लौटा दे। एक अन्य पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार के नाम के साथ लिखा गया है, अदृश्य मुख्यमंत्री जो 5 साल में सिर्फ एक दिन शपथ ग्रहण समारोह में नजर आता है। आरजेडी कार्यकाल और पटना के अलग अलग जगहों पर लगे इस तरह के पोस्टर सुबह सुबह लोगों के बीच चर्चा की वजह बन गया। वही मुख्यमंत्री के खिलाफ हुई पोस्टरबाजी से पुलिस समेत स्थानीय प्रशासन सकते में है। वहीं सीएम के खिलाफ लगे पोस्टर पर आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पार्टी ऐसी ओछी हरकत नहीं करती। आरजेडी विधायक एजिया यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह की ओछी हरकत नहीं करती, ये राजद को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कराए जाने की बात कही। हालांकि ये किसकी हरकत है यह साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि पोस्टर में किसी पार्टी या संगठन या व्यक्ति का जिक्र नहीं है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक और कैसे इस हरकत को करने वाले व्यक्ति को खोजती है और क्या कार्रवाई करती है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन बिल पर संसद में जेडीयू ने सरकार का साथ दिया था, हालांकि पार्टी के इस कदम को लेकर जेडीयू में विरोध के स्वर उठे। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर जहां बिल को समर्थन देने पर निराशा जताई, वहीं वरिष्ठ नेता पवन वर्मा ने भी इस पर पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।